तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट का कल के क्लास में देख रहे थे, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर, जिसके सरफेस पे इनफॉर्मली चार्ज है क्यू, जिसका डेरिवेशन भी कल हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व किए थे कि आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग को एक एक्सप्रेशन मिला था, जस्ट वी हैव लाइक आइडेंटिकल टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का ये होता है पोटेंशियल का, और अंदर के किसी भी पॉइंट पे, इनसाइड के एट एनी पॉइंट पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। तो अगर हम लोग ईआर निकालेंगे फॉर आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, तो आपको यही लिखना चाहिए माइनस डीवी बाई डी आर, और नहीं लिखता कि जीरो हो जाएगा। और अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर निकालेंगे ईआर, तो क्या मिलेगा, माइनस डीवी बाई डी आर, तो ये हो जाएगा ईआर इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आया ना। और देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो सेम एक्सप्रेशन आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर आप कंपेयर करते हैं, तो कोई भी एक पॉइंट चार्ज रहता, इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो उसका एक्सप्रेशन तो यही आता, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर आउटसाइड पॉइंट, फील्ड हो या पोटेंशियल हो, दोनों को निकालने के लिए हम लोग अपने माइंड में एक पॉइंट को बैठा लेंगे कि फॉर आउटसाइड पॉइंट पूरा स्फीयर पे जो चार्ज है, जस्ट वी हैव लाइक ए पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर्ड पे है। नहीं, हम लोग ऐसा अपना शॉर्टकट एक बनाएंगे कॉन्सेप्ट कि फॉर आउटसाइड पॉइंट टोटल चार्ज स्प्रेड ऑन द सर्फेस, जस्ट वी हैव लाइक ए पॉइंट चार्ज, करेक्ट। तो इसको भी शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। और बाकी बार बार वो पॉइंट लिखवाने का रिक्वायरमेंट है नहीं, जो पॉइंट बोले हैं वो दोनों पोटेंशियल और फील्ड दोनों के लिए एक साथ बोल दिए थे, करेक्ट। अब यहां देखिए, यहां तक समझ में आ गया है। तो अगर हम लोग वी वर्सेज आर का बात कर रहे थे, तो कल हम लोग को ग्राफ ऐसा मिल रहा था, नहीं क्यू ग्रेटर 0 के लिए। तो बताइए, पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे, नहीं तो उसके अंदर। यहां से यहां तक तो पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है स्टूडेंट, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे। और यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू है कितना, यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, हाँ या ना। लेकिन देखिए, ये जो ग्राफ है यहां से यहां तक, इन्हें तक ये दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है, ए ग्राफ और ए ग्राफ, दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है, एक कॉन्स्टेंट और एक हाइपरबोला, हाँ या ना। और जहाँ पे एक कंबाइंड हुआ है और यहाँ पे कंटिन्यूटी है, बट यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर डेवलप हुआ है स्टूडेंट। और कैलकुलस में जो मैथ का सर अगर आपको पढ़ाएंगे, तो कंटिन्यूटी के टाइम पे डैम से ये बात बोला जाएगा कि ऐसा कोई भी ग्राफ जिस ग्राफ में इस टाइप का अगर शार्प कॉर्नर डेवलप होता है, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि जस्ट बिफोर जो जस्ट इस पॉइंट के कॉर्नर के जस्ट बिफोर जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है, जस्ट आफ्टर जो डिफरेंस, डिफरेंशिएशन का मतलब मोर ऑर लेस इज काइंड ऑफ स्लोप, तो जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू रहेगा वो सेम वैल्यू नहीं होता है। दिस इज द ओनली वजह कि पोटेंशियल को विथ निगेटिव साइन अगर डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। और यहाँ पे ऐसा ही ग्राफ आपको मिलेगा,
ग्रेविटेशन में, तो यहाँ पे अगर ग्राफ, अगर आप क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर ER वर्सेस R का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो बोलिए ग्राफ क्या रहेगा, अंदर में फील्ड रहेगा या फील्ड फ्री रहेगा? तो फील्ड फ्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो, हाँ या ना? और यहाँ पे है R इक्वल टू कैपिटल R, तो R इक्वल टू जीरो से R इक्वल टू कैपिटल R तक मेरा फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, क्या होगा स्टूडेंट? और उसके बाद R ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ER इक्वल टू जीरो, कहाँ से कहाँ तक के लिए? लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, और ER इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये क्या रहेगा? R ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, तो बोलिए R इक्वल टू कैपिटल R, तो R इक्वल टू कैपिटल R, देखिए कितना बड़ा डिसकंटिन्यूटी है, इस सरफेस का जस्ट इनर सरफेस, इस सरफेस का दो सरफेस ना, इस स्फेरिकल सरफेस का दो सरफेस, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, तो इस सरफेस का जस्ट अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? जीरो। और जस्ट बाहर के पॉइंट पे जीरो नहीं रहेगा, इसका मतलब इस R इक्वल टू कैपिटल R से जस्ट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट जस्ट बाद में नहीं रहता है, ऑल ऑफ सडन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगा? हाइपरबोलिक। कैसे वेरी करेगा? हाइपरबोलिक वेरी करेगा, करेक्ट। और तो देखिए इसका कंप्लीट ग्राफ ये हुआ, यहां से यहां तक ये है ग्राफ जीरो वैल्यू, और ऑल ऑफ यहां पे R इक्वल टू कैपिटल R पे जस्ट R से कैपिटल R से थोड़ा बड़ा, मतलब आउटर सरफेस पे वैल्यू है, हाँ या ना? और आउटर सरफेस पे क्या वैल्यू है? आउटर सरफेस वैल्यू है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इनर सरफेस पे क्या वैल्यू है? जीरो। तो जस्ट इनसाइड का सरफेस और जस्ट आउटसाइड का सरफेस सेम ही सरफेस है, अंदर बाहर का डिफरेंस है। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? इट इज काइंड ऑफ कि ये कोई पेपर है, इसका पेपर का अंदर का सरफेस और पेपर का बाहर का सरफेस, यही डिफरेंस है ना? और यहां से कितना बड़ा जंप होता है? जस्ट बिफोर जीरो, जस्ट आफ्टर दिस वैल्यू, करेक्ट। और यहां से कैसे वेरी कर रहा है? हाइपरबोलिक, हाँ या ना? चलिए, तो और एक इसके लिए ग्राफ है, यह क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए, करेक्ट। अब इसी में अगर मेरा चार्ज निगेटिव रहता स्टूडेंट, तो ग्राफ तो ऐसा होता पोटेंशियल का, हाँ या ना? तो यहां पे भी अगर चार्ज निगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट अवे फ्रॉम द सेंटर होता या टुवार्ड द सेंटर होता? हर डायरेक्शन का दो डायरेक्शन, तो रेडियल डायरेक्शन का भी एक पॉजिटिव रेडियल डायरेक्शन, एक निगेटिव रेडियल डायरेक्शन, तो यहां तक क्या रहता? यहां पे ग्राफ ए रहता। और ये किसके लिए? क्यू लेस देन जीरो के लिए, करेक्ट। और दोनों में ए वैल्यू तो कॉमन रहता ना, इस ग्राफ के लिए ए वैल्यू और इस ग्राफ के लिए ए वैल्यू, डिफरेंट रहता या सेम रहता? अंदर में क्या हो, चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, अंदर में तो फील्ड को जीरो रहना है, करेक्ट। चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना है? जीरो रहना है, ओके। तो ये है कंप्लीट ग्राफ, और हो सकता है कि देखिए इसी को मैचिंग में पूछ दिया जाएगा, इसलिए स्टूडेंट इस ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत टफ ग्राफ है, बस आपको स्टैंडर्ड फार्मूला रटना है। और ये फार्मूला का डेरिवेशन जो कल किए हैं, वो डेरिवेशन भी अगर एक आध बार हो सकता है तो देख लीजिएगा, ओके। कल आपको टाइम मिलेगा, कल तो क्लास शायद फिजिक्स का नहीं है, तो बढ़िया से कल आज का कल का क्लास संडे का और मंडे का दोनों को ट्यूजडे को कोप अप कर लेना है, ओके। अब देखिए इसमें सपोज कीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए R ग्रेटर इक्वल टू कैपिटल R के लिए, आ जाए, नहीं आ सकता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ये है हॉल, यहां पे R इक्वल टू कैपिटल R है, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि ये हॉलो स्फीयर
पॉजिटिवली चार्ज हॉलोस इनफॉर्मली, पॉजिटिवली इनफॉर्मली चार्ज हॉलोस्फेयर के कारण दो ग्राफ है, इसमें से एक ग्राफ पोटेंशियल वर्सेज आर का ग्राफ है इसके लिए, और एक ग्राफ इस जोन के लिए इलेक्ट ई आर वर्सेज आर का है। तो कौन सा ग्राफ पोटेंशियल वर्सेज आर का रहेगा और कौन सा ग्राफ ई आर वर्सेज आर का रहेगा? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे दिया रहेगा भी और ई आर एक साथ दिया रहेगा, वेरी गुड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोनों में इसका ए था ना, और ई आर का क्या था क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दोनों में ए टर्म तो सेम है, हाँ या ना? देख लीजिएगा सब स्टूडेंट, बट इसमें डिवाइडेड बाय आर है, इसमें डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, समझ लेता कि ए वैल्यू कम रहेगा ए वैल्यू ज़्यादा रहेगा। अब उसमें ये नहीं बोलना कि सर आर का वैल्यू अगर लेस देन वन रहेगा तो क्या होगा, तब तो उल्टा हो जाएगा, नहीं। बट इन जनरल क्या रहेगा, ई आर का ग्राफ नीचे और भी का ग्राफ ऊपर रहेगा। तो एक किसका ग्राफ रहेगा भी का, और एक किसका ग्राफ रहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका तो ये तो थ्योरी वाइज हो गया, इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा? तो मान लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन ऐसे सोच लीजिए, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि इसके सेंटर से यहाँ पे कैपिटल क्यू है, इसका सेंटर से डी डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू, और मैं मेंशन कर दूंगा कि डिस्टेंस डी इज लार्ज डिस्टेंस। अब इसका पीछे कुछ वजह है, बाद में इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अब यहाँ पे अगर बोलेंगे कि इस क्यू पे इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो आपने था कि आउटसाइड इस स्फेयर पे जो चार्ज है और इस पॉइंट पे, ये थे यहाँ पे तो एक पॉइंट लिए है ना, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूँगा, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि यहाँ से डीप डिस्टेंस पे एक रॉड हो जो इनफॉर्मली चार्ज हो, और इस पे कैपिटल क्यू हो, और इस रॉड पे स्मॉल क्यू हो जिसका लेंथ एल हो, हाँ या ना? करेक्ट। तो नहीं लगता कि एक इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं जिसमें क्यू था और एक रॉड था, और इस क्यू पे हम लोग को फोर्स निकालना था, याद है कूलम्स लॉ में? तो ए प्रॉब्लम और ए प्रॉब्लम डिफरेंट प्रॉब्लम हो गया या सेम प्रॉब्लम हो गया? क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए आप इस हॉलोस्फीयर को भूल जाइए, और सारा चार्ज को पॉइंट चार्ज मानकर कहाँ रख कर दीजिए? सेंटर पे, करेक्ट। इसको नोट कर लीजिएगा, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि इसका कैसे स्मार्टली यूज़ करना है। वैसे ही इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की जो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वाट एवर, तो क्या इसके लिए कितना बढ़िया हो गया, टोटल चार्ज को हम लोग कहाँ मान लेंगे? सेंटर पर मान लेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि सर ये फार्मूला भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं क्यू इंटू ई आर, तो इसका चार्ज लेंगे और इसका फील्ड लेंगे, तो इसका फील्ड का फार्मूला आउटसाइड पॉइंट के लिए आपको क्या आज के बाद रटना पड़ेगा या रटा हुआ है? पॉइंट चार्ज तो मानना है, क्या मानना है? पॉइंट चार्ज। लेकिन ये अगर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रेडीमेड करके नहीं रखते तो हो सकता है कि वहाँ पर पजल हो जाता। लेकिन अगर स्मॉल क्यू अगर अंदर में रहेगा या स्मॉल क्यू अगर अंदर में रहता तो क्या इस स्मॉल क्यू पे कोई फोर्स लगेगा? इफ स्मॉल क्यू चार्ज इनसाइड द होलोस्फेयर देन देयर इज नो फोर्स ऑन द स्मॉल क्यू चार्ज बिकॉज अंदर में फील्ड है,
नहीं है, अंदर में कोई फील्ड नहीं है, करेक्ट। इसलिए हो सकता है कि अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाए जिसमें इनफॉर्मली चार्ज है स्मॉल क्यू और आपसे बोला जाए कि ए से बी पे, कहां से कहां तक स्टूडेंट, स्मॉल क्यू को ए से बी पे ले गए हैं, तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा, कितना होगा बोली तो। वेरी गुड, जीरो हो जाएगा क्योंकि क्यू भी वी बी माइनस क्यू भी ए कीजिएगा, हाँ या ना, आप वी बी माइनस वी ए तो कांस्टेंट है ना भी, तो यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। फिर पूछा जाएगा व्हेन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन बाय फील्ड फोर्स किसके कारण, तो फील्ड ही नहीं है तो वर्क क्या होगा, फील्ड ही नहीं है तो फोर्स ही नहीं लगाएगा, और जो फोर्स ही नहीं लगाएगा तो उस फोर्स के कारण वर्क क्या होगा, वर्क होगा या वर्क जीरो रहेगा, वर्क जीरो रहेगा, करेक्ट। चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन इतना बार पूछा हुआ है, यू कांट इमेजिन, अच्छा ऐसी बता, चलिए यहां देखिए तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको ग्रेविटेशन में भी और इलेक्ट्रोस्टेट में भी बहुत बार पूछा गया है। इसका सेंटर से डिस्टेंस है स्टूडेंट डी, ठीक है, और तब पूछा गया है कि इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे, क्यू चार्ज को पॉइंट बी पे और क्यू चार्ज को पॉइंट सी पे, यहां से डी से ए पे लेके आ रहे हैं, डी से बी पे लेके आ रहे हैं, डी से सी पे लेकर आ रहे हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, क्या पूछ रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चलिए जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार आया हुआ है। फिर वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स गोइंग फ्रॉम डी टू बी इक्वल टू क्या लिखिएगा, यू बी माइनस यू डी, और वर्क डन गोइंग फ्रॉम डी टू सी तो यू सी माइनस यू डी। अब यहां देखिए, ए बताइए तो यू ए यू बी और यू सी इक्वल टू ए ही लिखेंगे ना, क्यू इन टू, एक मिनट, क्यू इन टू वी ए, क्यू इन टू वी बी और क्यू इन टू वी सी, डिफरेंट रहेगा पोटेंशियल सरफेस का या सेम ही रहेगा, स्फेरिकल सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंट होगा या सेम होगा, सेम रहेगा ना, लेकिन यहां पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि लगता है कि यहां से यहां तक आ रहे हैं तो कम डिस्टेंस है, यहां पे ज्यादा डिस्टेंस है, हाँ या ना, और यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, करेक्ट। बट जो मेरा स्फेरिकल सरफेस का इस इनफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट है या सेम है, पोटेंशियल तो सेम ही था, दैट्स भाई, समझ में आया कि मैं क्या क्वेश्चन सेट किया था, तो दिस इक्वल टू दिस और यूडी इक्वल टू क्या होगा, यूडी इक्वल टू होगा क्यू इन टू
वी डी। तो यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू ए है, तो सब में डी तो कॉमन है। अनकॉमन तो आपको लग रहा था यू ए यू बी यू सी, बट क्या यू ए यू बी यू सी डिफरेंट डिफरेंट है या सेम है? सेम है। इसका मतलब है कि किसी भी गिवेन आउटसाइड पॉइंट से किसी चार्ज को, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी अगर आपका पॉइंट चार्ज पार्टिकल है जो कि स्फीयर के यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर में है, उसे किसी गिवन पॉइंट से स्फीयर के किसी सरफेस पे लाते हैं, चाहे नजदीक के पॉइंट के सरफेस पे, नजदीक के पॉइंट पे या दूर के पॉइंट पे, डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा या सेम वर्क होगा? सेम वर्क रहेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा तो उस पकड़ में आ जाएगा। और डिटो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव ग्रेविटेशन में भी आता है, जिसमें आपका जो मास है वो हॉलोस्फेयर में मास है, मास सिर्फ सरफेस में है लेकिन अंदर में मास नहीं है, तो वहां का कॉन्सेप्ट है, यहां कॉन्सेप्ट डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? 100% सेम रहेगा। ओके, तो वैल्यू होगा, ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन तो सेम रहेगा। वर्क डन बाय एफ ए कमिंग फ्रॉम डी टू ए इक्वल टू वर्क डन बाय एफ ए कमिंग फ्रॉम डी टू बी इक्वल टू वर्क डन बाय एफ ए कमिंग फ्रॉम डी टू सी, ये सब सेम रहेगा, लेकिन ये वैल्यू होगा कितना? ये वैल्यू रहेगा स्टूडेंट क्यू, आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर गलत होगा तो, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो सही है, ये जो वैल्यू लिखे हैं हाँ या ना, इसका यहां पे इस सके सरफेस पे स्मॉल क्यू का पोटेंशियल निकालने के लिए एक ही चार्ज पार्टिकल का, देख ओनली वन चार्ज पार्टिकल के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उसके तो पोटेंशियल का, सरफेस का पोटेंशियल तो ये है, लेकिन बाहर के पॉइंट के लिए हम लोग क्या मानते थे कि सारे चार्ज को कहां पे मान लेना है? सेंटर पे, जस्ट बिहेयर बाई व्हाट पॉइंट चार्ज। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आने से बन जाएगा। अब इसी ऑब्जेक्टिव को चेंज करके ऐसे भी तो कर सकते हैं, डी से ई, डी से ई पे आए तो बर्कडन अगर निकालना शुरू कीजिएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, लेकिन डी से ई पे आ रहे हैं और यहाँ का डिस्टेंस अगर डी वन दे देंगे तो क्या ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल जी, वहां से तो फटाक से बन जाएगा 1 मिनट में, हाँ या ना? देखिए थ्योरी यही है, लेकिन जो छोटा छोटा जो पॉइंट कहीं पे बोल रहे हैं उसी का यूज करना है। चलिए हाँ, एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव में है, एचसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव में है, तो मतलब उसी को मैं समझा रहा था कि देखिए जनरली लगता क्या था कि ये नजदीक का पॉइंट है, दूर का पॉइंट है, बट पोटेंशियल वाइज ये नजदीक का दूर का पॉइंट है या सेम ही है? सेम ही है। कोई अगर मंगल ग्रह से आ रहा है और अर्थ पे आना है, डिस्टिनेशन क्या है? अर्थ का सरफेस, करेक्ट। तो उसको क्या फर्क पड़ेगा इंडिया में उतरेगा या यूएस में उतरेगा, एक ही बात है ना। अगर अर्थ को स्फीयर मान लें और डिस्टिनेशन क्या है? अर्थ है, आप ही अगर मंगल ग्रह पे भेज रहे हैं तो क्या कोई एड्रेस देके भेज रहे हैं, जो रोड 43 हाउस नंबर इतना, या मंगल ग्रह का ठीक है एक डिस्टिनेशन है मंगल ग्रह, करेक्ट। तो समथिंग लाइक दिस, दो से तीन क्लास में थ्योरी खत्म हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो 1.5 आवर क्लास ही होता है, लेकिन वो भी 1.5 आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी पूरा, जब तक मुझे लगेगा कि नहीं ये चैप्टर खत्म होना चाहिए तभी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है पूरा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक बेस है। चलिए अब एक लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ है,
ये डेरिवेशन करेंगे तो उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी डेरिवेशन में मैं चार्ज को वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक जो सब जगह मिलता है हर बुक में लिखा रहता है इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, बट उस चार्ज को 2013 में अंदर के चार्ज को विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस वेरी भी किया गया है। और यहाँ पे जितना भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं सारा डेरिवेशन को गॉस लॉ से दो दो मिनट में डिराइव कर देंगे, सारा डेरिवेशन को गॉस लॉ से भी दिखा देंगे। और फिर लगेगा सर ये तो पहले वाला क्यों इतना टफ काम करवाए, पहले ही एक काम कर लेते, तो उसके पीछे कुछ वजह है। तो हेडिंग देना चाहिए पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर वेयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। अब स्टूडेंट यहां जो हेडिंग बनाए हैं ये थ्योरी का हेडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला बात एक बढ़िया से डायग्राम बनाइए, चलिए यहां देखिएगा, ध्यान से देखिए। और यह है इनफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड स्फीयर। तो पहला बात है स्टूडेंट कि यह जो सिचुएशन है ये डैम श्योर किसी कंडक्टर का सिचुएशन नहीं हो सकता है। किसका नहीं हो सकता है, और आपको स्पेशली दो लेक्चर सिर्फ कंडक्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, बिफोर गॉस लॉ। तो कंडक्टर का इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बाद में आपको पढ़ाएंगे कंडक्टर चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो चार्ज इन रेस्ट में कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं हो सकता है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अब आप में से कुछ बोलेंगे सर क्यों नहीं हो सकता है, इतना तो NTPC जो प्लांट है वहां से तो करंट वायर में ही आता है जो कि कंडक्टर है, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही हम लोग पास इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा। तो आई एग्रीड, मैं बोलूंगा वहां पर चार्ज मोशन में है। किसमें है स्टूडेंट, मोशन में है। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, चार्ज को मोशन में या चार्ज इन रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट में है तो अंदर में हर एलिमेंट में हर वॉल्यूम में कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो रहेगा। उसके पीछे वजह यह है कि अंदर कंडक्टर के अंदर बाद में पढ़ेंगे इस पर फील्ड फ्री होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, डैम श्योर जीरो होगा ही होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये जो आप दिखाए, तो मैं ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक लिया कि अगर ऐसा सिचुएशन रहता जिसमें चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब चार्ज का हम लोग चार्ज को हम लोग वॉल्यूम में डोपिंग कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं स्टूडेंट, बैठा दिए हैं, यस। और इसका रेडियस है कैपिटल आर, क्या है कैपिटल आर। और इस सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके कारण मुझे किसी पी पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पोटेंशियल एज वेल एज फील्ड एट पॉइंट पी। तो वो मेरा पी पॉइंट स्टूडेंट क्या हो सकता है, वो मेरा पी पॉइंट अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, हाँ या ना। इसका मतलब हम लोग जनरलाइज काम करेंगे, बट इसका डेरिवेशन करने से पहले ये तो समझ में आ गया कि हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है पूरा इलेक्ट्रोस्टेट में कि आपको इतना ही चाहिए था, चार्ज अगर रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटर, देखिए मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार मिला लीजिएगा, चार्ज रॉड पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हाँ है ना। रॉड फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है,
और सेमी इनफाइनाइट भी हो सकता है। इन सब का डेरिवेशन कर लिए हैं नहीं कर लिए हैं? कर लिए हैं ना। आर्क का भी कर लिए हैं, रिंग का भी कर लिए हैं, रिंग का ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे भी कर लिए हैं, डिस्क का भी कर लिए हैं, उसी डिस्क को इनफाइनाइट प्लेन भी बना दिए हैं, सबका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए हैं, पैटर्न भी दिखा दिए हैं, करेक्ट, और हॉलो स्फेयर का भी कर लिए हैं। दिस इज द ऑलमोस्ट एक्सेप्ट डाइपोल, एक्सेप्ट डाइपोल, मुझे लगता है दिस इज द लास्ट डेरिवेशन, करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर दिमाग दौड़ाइएगा तो ठीक है। लेकिन उसके पहले, ये तो हेडिंग हो गया, मुझे एक काम करना है, बट उसके पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं आप लोग के लिए। देवव्रत पॉल ज्वाइन किए हुए हैं? देखिए स्टूडेंट, टू हॉलो स्फीयर है, वन ऑफ द हॉलो स्फीयर पे चार्ज इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जिसका है अमाउंट Q1, और दूसरा हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q2, करेक्ट। और अब मैं एक पॉइंट लिया हूं और इसका डिस्टेंस है इसके सेंटर से स्मॉल ए, यह पॉइंट ए, और एक मैं पॉइंट लिया हूं बी जिसका डिस्टेंस है स्मॉल बी, और एक मैं पॉइंट लिया हूं जिसका डिस्टेंस ये है पॉइंट सी, या जिसका डिस्टेंस है स्मॉल सी। मेरा क्वेश्चन है फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एट ए, फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एट बी, एंड फाइंड आउट द नेट पोटेंशियल एट सी। बताइए तो क्या होगा? मैं ही इसको सॉल्व करता हूँ, या आप लोग सॉल्व करेंगे? हाँ कीजिए। ए जो पॉइंट ए जो है, आपको नहीं लगता कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पॉइंट ए दोनों हॉलोस्फेयर के अंदर का पॉइंट है? हाँ है ना। और हॉलोस्फेयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कौन डेवलप करेगा? ए भी डेवलप करेगा, ए भी डेवलप करेगा, हाँ है ना। बट जो भी डेवलप करेगा वो वेरिएबल पोटेंशियल डेवलप करेगा या अपना अपना कॉन्स्टेंट पोटेंशियल? तो यहाँ यस प्लीज़, ये सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड लोग क्लास ऑनलाइन में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, थोड़ा हेक्टिक रहेगा, प्लीज़ सबको मोटिवेट कीजिए। मैं डायरेक्टली बोलूँगा थोड़ा खराब लगेगा ग्रुप में, बट ऐसा नहीं कि चलो वीडियो देख लेंगे। यहाँ पे ऐसा पूछते रहते हैं तो समझिए कि क्लास में आप बैठे हुए हैं, घर पे हैं लेकिन क्लास में हैं। इसलिए बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, आपका बोर्ड का एग्जाम भी रहेगा नेक्स्ट ईयर, प्लीज़ ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कीजिए।
तो यहां देखिए नहीं लेता है पोटेंशियल ड्यू टू, इसको अगर हम लोग बोलते हैं स्फीयर वन एस वन और एस टू, तो पोटेंशियल ड्यू टू एस वन अब पोटेंशियल ड्यू टू एस टू, हाँ या ना। बट एस वन जो डेवलप करेगा अंदर के पॉइंट पे वेरिएबल या कांस्टेंट, कांस्टेंट, और वो कितना रहेगा स्टूडेंट, आर वन, और एक एक कितना डेवलप करेगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए पॉइंट बी किस स्फेयर के लिए बाहर का पॉइंट है और किस स्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए अंदर का पॉइंट है। यस, तो स्फेयर वन, तो जिसके लिए बाहर का पॉइंट रहेगा उसके लिए हम लोग उसको पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पर रख देंगे, हाँ या ना। तो क्या हम लोग यहां पे फिर से अगर लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू एस वन पोटेंशियल ड्यू टू एस टू, तो क्या हम लोग यहां पे ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी। देखिए तो ठीक है, वेरी गुड, बट इसके लिए तो अंदर का पॉइंट अभी भी बना हुआ है, तो क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू, हाँ या ना। ओके, बट व्हाट अबाउट सी वन, व्हाट अबाउट एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी दोनों के लिए बाहर का पॉइंट हो गया। तो इस बाहर का दोनों के लिए बाहर का पॉइंट हो गया, तो एस वन का भी चार्ज को कहां पे मान लेंगे स्टूडेंट, सेंटर पे, और इसका भी चार्ज कहां मान लेंगे सेंटर पे। तो टोटल चार्ज सेंटर पे कितना हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू, हाँ या ना। और अगर अलग अलग लिखना भी चाहते हैं तब भी तो आप यही लिखिएगा ना क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन सी और क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन सी, हाँ या ना। तो ये नहीं लगेगा टोटल चार्ज ऑन द सेंटर क्यू वन प्लस क्यू टू और डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सी। तो अब समझ में आ गया कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी रहेगा, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट पे बहुत बढ़िया एक गॉस लॉ में, गॉस थ्योरम में क्वेश्चन नंबर फोर इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, क्वेश्चन नंबर फोर जहां तक मुझे याद आ रहा है एचसी ब्रांका, जो कि आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है। तो या वहां पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर सेट करना शुरू करेंगे तो क्या वहां पे आप आंसर दे पाएंगे जो अभी यहां पे सिखा रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, यहां देखिए। अब बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो नहीं लगता कि ये जो पॉइंट ए है दोनों के लिए अंदर का पॉइंट है, और इनसाइड के पॉइंट पे स्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो, हाँ या ना। दैट्स वाई यहां पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा। वेरी गुड, एस टू के लिए अंदर का पॉइंट है और अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो, बट एस वन के लिए बाहर का पॉइंट है, इसका मतलब एट पॉइंट बी विच स्फीयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर एस वन, हाँ है ना। तो कितना हो जाएगा क्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाई और यू आर, हाँ या ना। एक रेडियल वेक्टर दे दिए, इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे थे, सॉरी बी क्यू, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा क्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, करेक्ट। अब चलिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी लगता है कि दोनों के लिए आउटसाइड का पॉइंट है, और आउटसाइड के पॉइंट के लिए चार्ज स्फीयर पे जो चार्ज, तो चार्ज रहता है उसको आप कहां मान लेते हैं सेंटर पे मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर क्यू वन क्यू टू जो यहां पे है वो क्या इज इट कंपलसरी, इज इट कंपलसरी कि दोनों का आइडेंटिकल रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव। दरअसल यहां पे क्यू वन क्यू टू जो मॉडल्स के अंदर पुट कर रहे हैं उसको इसके अंदर जो वैल्यू पुट की जाएगा, हो सकता है कि 2 कूलम हो या -3 कूलम हो, ऐसा भी तो हो सकता है, तो वहां पर एल्जेब्रिकली पुट कर लीजिएगा। ओके, अब मान लेते हैं कि यहां पे 1 माइक्रो कूलम और यहां पे -1 माइक्रो कूलम रहता, 1 और यहां पे -1, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जीरो हो जाता, हाँ है ना।
क्योंकि सेंटर पर आते हैं, सेंटर पे पॉइंट चार्ज बनाने के लिए सेंटर पर आते हैं, और सेंटर पे आता है तो टोटल चार्ज कितना रहता, जीरो हो जाता है। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा तो पकड़ में आ जाएगा। चलिए यहां देखिएगा, ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, पहले समझिए चीजों को, और आर डिस्टेंस पे इसको ड्रॉ नहीं करना है स्टूडेंट, ये जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का अगर आप एक सेल इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, सेल, तो ये जो रहेगा आपने तक सिर्फ इसको जिसको मैं डेसाइडेड कर रहा हूं आपने तक, इट इज काइंड ऑफ हॉलो स्फीयर जैसा कुछ रहेगा, मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ व्हाट, सिर्फ इसी को इमेजिन करना है, और सोचिए कि अंदर और बाहर के मटेरियल को आप हटा दिए तो आपको नहीं लगता इट इज काइंड ऑफ हॉलो स्फीयर, हाँ या ना। ओके, तो यहां से यहां तक इस टाइप का कितना सेल बना सकते हैं विथ वेरिएबल रेडियस, इनफाइनाइट बना सकते हैं। ओके, अब यहां देखिए, ये भी ड्रॉ नहीं करना है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस आर है और यहां से यहां तक स्मॉल आर है, यहां पे मैंने कोई पॉइंट पी लिया स्टूडेंट, ठीक है, और ये सॉलिड स्फीयर है, और यहां पे ये पी पॉइंट, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक यहां से पी तक और एक यहां से आर, एक मेरा रीजन रहेगा जीरो से स्मॉल आर तक और एक रहेगा स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, एक रीजन ए है, ठीक है, और एक रीजन ए है, और इस रीजन को अभी भी डिरेवेशन में नहीं है, बस सिखा रहे हैं, और मान लेते हैं कि इस पार्ट वन में एक्स डिस्टेंस पे डीएक्स थिकनेस का, कितना थिकनेस का, एक हॉलो स्फीयर इमेजिन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, और इन सिमिलर फैशन सेकेंड रीजन में भी बाई डिस्टेंस पे यहां से यहां तक बाई डीवाई थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर इमेजिन करते हैं, तो और तब मैं पी पॉइंट पे पूछूंगा, बोलिए पी पॉइंट पे दो दो हॉलो स्फीयर है, एक बाई रेडियस का एक एक्स रेडियस का, कौन सा हॉलो स्फीयर के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इस हॉलो स्फीयर के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी तो ऐसा एक प्रॉब्लम करवाए थे, पॉइंट पी इस हॉलोस्फीयर के लिए अंदर का पॉइंट हो गया, हाँ या ना, बट पॉइंट पी इस एक्स रेडियस के हॉलोस्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट हो गया, करेक्ट, इसका मतलब विच रिंग आर, विच हॉलोस्फीयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एक्स रेडियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट पी पे जब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, पॉइंट बी नोटेड, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल इस बस दो के लिए ही मैं जिस पे टिक लगा रहा हूं, एक इसके वजह से, तो आपको नहीं था कि पॉइंट पी के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए इसके इस हॉलो स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट रहेगा बट इसके लिए अंदर का पॉइंट रहेगा, हाँ या ना,
ओके, इसका मतलब है कि अगर इस रीजन को दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू में देखेंगे, तो जब यहां से यहां तक का, यहां से स्टार्ट करके यहां से यहां तक का जितना भी होलोस्फेयर रहे बनाए, इमेजिन करेंगे, क्या कोई भी होलोस्फेयर इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? तो देखिए, अब हम लोग क्या, ये जस्ट आपको समझा रहे थे कैसे हम लोग को करना है। तो मैं क्या करूंगा कि स्टूडेंट, मैं पहले इनसाइड के पॉइंट के लिए अंदर के किसी भी पॉइंट पी पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाल कर उसको स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ओके, तो अब हम लोग डेरिवेशन पार्ट में इन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी ऐसे दिखाऊंगा नहीं, तो डायग्राम थोड़ा गंदा हो जाएगा। ये सोचिए कि ये इनफॉर्मली चार्ज है, अंदर में वॉल्यूम में चार्ज इनफॉर्म है, और यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जिसको रो से इंडिकेट कर रहे हैं, वो रहेगा क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसका रेडियस है टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस, स्मॉल आर रेडियस पे एक मैं पॉइंट पी इमेजिन कर रहा हूँ स्टूडेंट, और ये हो गया मेरा सेंटर, और इस पूरे रीजियन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। कितना पार्ट में? टू पार्ट में। और यहाँ पे पॉइंट पी पे मैं नेट पोटेंशियल निकालूंगा। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट वन एंड टू। देखिए मेरा डेरिवेशन करने का तरीका देखिएगा, ये प्रॉब्लम बनाने का ही तरीका रहेगा मोर और लेस। पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट वन, पार्ट वन का मतलब जीरो से स्मॉल आर तक जितना भी चार्ज है, जीरो से स्मॉल आर तक जितना भी चार्ज है उसके वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इसको मैं बोलूंगा वी वन। क्या बोलेंगे? वी वन। और स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, कहां से कहां तक? स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जो भी चार्ज रहेगा उसके वजह से इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल निकल पाएगा उसको मैं नाम दूंगा पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड पार्ट। और यहां पे तो अगर पॉइंट पी पे अंदर का है ए पार्ट छोटा स्फीयर, और फिर ए रीजियन के कारण, दो ए रीजियन सेकेंड रीजन हो गया और ए रीजन मेरा हो गया फर्स्ट, फर्स्ट और सेकेंड दोनों के वजह से यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे तो क्या नहीं लगता है टोटल स्फीयर आ जाएगा? हाँ, या ना, पार्ट फर्स्ट एंड प्लस पार्ट सेकेंड। करेक्ट, यहां तक समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक पॉइंट पी के लिए मैं इस पूरे हॉलो, इस पूरे सॉलिड स्फीयर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब अगर हम लोग पार्ट वन का बात, पहले पार्ट वन के लिए बात करते हैं, पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट के लिए, पार्ट फर्स्ट का मैं रेडियस कितना लिया हूं? स्मॉल आर। अब पार्ट फर्स्ट के लिए मैं एक्स डिस्टेंस पे स्टूडेंट एक डीएक्स थिकनेस का, कितने का? डीएक्स थिकनेस का एक हॉलो स्फेयर इमेजिन कर रहे हैं। इसका रेडियस है एक्स और ये है रेडियस डीएक्स, सॉरी ये थिकनेस डीएक्स। तो अब बताइए ये जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं उसका वॉल्यूम आप लोग बता सकते हैं? इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये तो क्या है, ये एक हॉलो स्फेयर का सरफेस है ना, इसका पूरा सरफेस एरिया कितना होगा? 4πx² आया ना। आपको नहीं लगता कि वॉल्यूम के लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, पढ़े हैं ना सिलेंडर का πr² h एरिया इंटू हाइट, वैसे ही इसका, इस जो शेडेड पार्ट है उसका वॉल्यूम के लिए डी वी इनफाइनाइट टेसिमल वॉल्यूम,
इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, 4 पाई x स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया इसका, और थिकनेस कितना है dx है या ना। और अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट क्या लेते थे, अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो एलिमेंट क्या लेंगे, एरिया लेंगे या वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो इस वॉल्यूम में जो चार्ज रहेगा उसको dq नाम देते हैं स्टूडेंट, तो dq के लिए क्या लिख सकते हैं, रो dv है या ना, रो इंटू dv। और रो मेरा यहां पे वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो 4 पाई x स्क्वायर dx हाँ या ना। चलिए अब यहां पे पॉइंट पी पे इस हॉलो स्फेयर के कारण, पॉइंट पी मेरा आउटसाइड, इस हॉलो स्फेयर के लिए पॉइंट पी आउटसाइड का पॉइंट रहेगा। तो आउटसाइड के पॉइंट के लिए हम लोग क्या इमेजिन करते थे कि जो हॉलो स्फेयर पे चार्ज है वो चार्ज कहां पे है, हॉलो स्फेयर पे या सेंटर पे। तो आप नहीं था कि dq चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं, हाँ या ना। और इस सेंटर के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो छोटा सा चार्ज के कारण छोटा पोटेंशियल रहेगा, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, dq बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से यहां तक का कितना है डिस्टेंस, ठीक है, आर ही डिस्टेंस है ना। बट पार्ट वन के लिए, मेरा स्मॉल जो आर है, पार्ट वन के लिए जो मेरा वेरिएबल है वो स्मॉल आर है या वेरिएबल एक्स है। पार्ट वन के लिए स्मॉल आर कांस्टेंट मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, अंदर का गिवन पॉइंट पी, अंदर इनसाइड का गिवन पॉइंट पी। तो पॉइंट गिवन पॉइंट बोल रहे हैं, पॉइंट पी जो गिवन पॉइंट है उसी को वेरी करना शुरू कर दिया, तो डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन नहीं होगा। तो पॉइंट पी को अभी मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूं, मतलब ये स्मॉल आर मेरा अभी पार्ट वन के लिए कांस्टेंट है। तो डीवी इक्वल टू डीक्यू का वैल्यू कितना, रो 4 पाई x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए तो ठीक है, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, क्या कैंसिल होगा, 4 पाई 4 पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू वन इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन कर लेंगे हाँ या ना। और इंटीग्रेशन से बाहर कौन आ जाएगा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर हाँ या ना। और किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x स्क्वायर dx। और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या लेंगे, यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट, बट क्या रहेगा बोलिए, लिमिट 0 से, वेरी गुड, 0 से स्मॉल आर, क्योंकि पार्ट वन तो स्मॉल आर तक ही तो खत्म हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, रो वाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³y³। जीरो से आर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पे क्या r³y³ कितना होगा, रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या r²। तो ये किसके कारण निकाल लिए, पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट वन हाँ या ना। और पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट वन के लिए हो गया रो बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट r² चलिए यहां तक एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से।
अब यहां देखिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट टू पे आते हैं। तो पार्ट टू कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? स्मॉल आर से शुरू होता है, कहां तक जाता है स्टूडेंट? कैपिटल आर तक। अब मेरा पॉइंट पी यहां पे, ओके। तो इसके लिए बाई रेडियस पे, या एक्स ही लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स रेडियस पे फिर से सेम काम, डी एक्स थिकनेस का फिर से एक हॉलो स्फीयर सोचिए, और इस हॉलो स्फीयर में टोटल चार्ज कितना होगा स्टूडेंट? तो क्या टोटल चार्ज के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम? यह मेरा वॉल्यूम क्या है? एलिमेंटल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? और रो, और इसका वॉल्यूम कितना है? अभी तो पढ़ा है ना, 4πx² dx है ना, टोटल सरफेस इंटू थिकनेस है ना। अगर मान लेते हैं कि आप 10th क्लास में रहते, सिंपल सी बात है, अगर 10th क्लास में रहते और बोला था कि आर रेडियस का एक हॉलो स्फीयर बनाया गया जिसका थिकनेस 2 सेंटीमीटर है और डेंसिटी दे दिया था उस मटेरियल का, और तब पूछते कि उस मटेरियल का मास कितना है, तो नहीं निकाल लेते? ये तो 10th क्लास का मैथमेटिक्स है ना। तो इन सिमिलर फैशन इसका वॉल्यूम ऐसे 4πx² dx। लेकिन अब जो ये पॉइंट, ये जो हॉलो स्फीयर है, उसके लिए P पॉइंट बाहर का पॉइंट है या अंदर का पॉइंट है? और अंदर का पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या रहता था? इस हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और वो वैल्यू कितना होता है? वो उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? DQ/, बोलिए, 4πε₀ आर लें या एक्स लें, हाँ या ना? किसी भी हॉलो स्फीयर के अंदर के लिए पोटेंशियल निकालने के लिए यही करता है ना, कि उस पर चार्ज और डिवाइड 4πε₀ और उसका रेडियस अंदर के हर पॉइंट के लिए, ओके। लेकिन इस टाइप का पी पॉइंट के लिए जब यहां से शुरू करते हैं और स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, तो इस टाइप का कितना हॉलो स्फीयर है जिसके लिए पी पॉइंट अंदर का पॉइंट हो जाएगा? इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, देन हाउ मेनी हॉलो स्फीयर जिसके लिए पी पॉइंट अंदर का पॉइंट रहेगा? इनफाइनाइट। दैट्स वाई और डीवी के लिए क्या लिखिएगा? डीवी इक्वल टू DQ का वैल्यू कितना? rho πx² dx 4πε₀x, करेक्ट। तो वी ड्यू टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, क्या क्या कॉन्स्टेंट है? 4π से 4π को खत्म करते हैं, और जो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लीजिए, तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा? rho πε₀, हाँ या ना? rho πε₀ और इंटीग्रेशन एक्स एक्स को कैंसिल कर दीजिए, एक्स डी एक्स कहां से कहां तक? अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा? वेरी गुड, देखिए ऐसे बोलने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो कितना होगा? पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? rho πε₀ x²/2, मतलब r²/2 माइनस r²/2। यहां तक आ जाइए, डू इट फास्ट। ये बिल्कुल फंडामेंटल है, इतना बढ़िया काम करेगा आप लोग को। लास्ट 2 क्लास सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा, और उसमें अलग अलग तरीके से जितना भी अभी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ, और वो जब जिस क्लास में लास्ट 2 क्लास में प्रॉब्लम लेंगे तो उस क्लास में मैसेज कर दूंगा ऑप्शनल, मतलब उसमें जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे कर सकते हैं, जो मेरे पास प्रॉब्लम का कलेक्शन है या जो मैं इसमें एक्स्ट्रा सोच रहा हूँ। और HCB का जो प्रॉब्लम रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया डेरिवेशन? आप सब लोग क्लास 12th का अरिहंत पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक एटलीस्ट 15 ईयर का CBSE का ले लेंगे, हर सब्जेक्ट का, या ले लिए हैं? किसी का भी ले लीजिए, एक ही बात है,
उसमें तो क्वेश्चन तो बोर्ड का ही रहेगा ना, बोर्ड का जिसमें क्वेश्चन हो, और मेरे साथ साथ जो जो टॉपिक मैं कवर करते चलता हूँ लाइक केमिकल काइनेटिक्स, तो एक बार वहाँ से बनाते हुए चलिए। 10 दिन टाइम दीजिए किसी चैप्टर के लिए को कंपटीशन के लिए अभी, या 5 दिन, और 1 दिन टाइम दीजिएगा बोर्ड के लिए, और सारा क्वेश्चन हर चैप्टर का अभी ही बोर्ड का एक अलग नोटबुक करके, क्योंकि उसमें बनाना कुछ रहेगा नहीं, एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन रहेगा और न्यूमेरिकल रहेगा, उससे बहुत ऊपर आप बना चुके होंगे मेरे साथ, तो अगर अभी कवर कर लीजिएगा तो दिसंबर तक के लिए आप एकदम कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मेरा बोर्ड भी कवर हो गया। समझ रहे मेरे बात को? हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जो भी का है, सबका क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। चलिए, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्ट एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड पार्ट, आया ना? और एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके कारण कितना था? रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे कितना था? रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। इसमें जो भी कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, तो कॉमन है रो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 3 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 और माइनस आर स्क्वायर बाई 2, और इसको पूरा को कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है, और उसको बॉक्स में कर लीजिएगा। देखिए तो ये आता है, मेरा तो कैलकुलेट करने के बाद इतना आया है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन किस पॉइंट के निकाले हैं? आर लेस देन इक्वल टू व्हाट? कैपिटल आर के लिए, आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर। चलिए अब रो का वैल्यू पुट कीजिए, तो आप फार्मूला को इस फॉर्मेट में भी याद रखेंगे और फार्मूला को चार्ज के फॉर्मेट में भी याद रखिएगा। रो का कितना वैल्यू था फर्स्ट, जो भी वैल्यू था वो वैल्यू पुट कीजिए, और इन टर्म्स ऑफ क्यू देखिए तो इतना आता है। रो का वैल्यू पुट करने के बाद, हाँ या ना? क्या प्रॉब्लम है? रोक तो यही पुट करना था, 4/3 πr³ व्हाट इज द प्रॉब्लम? मतलब 3³/4πr³ यही पुट करना था ना? ये पुट करने के बाद देखिए क्या ये वैल्यू नहीं आता है, इतना देर लगेगा। ओके अब बोलिए, देखिए तो डायमेंशनली हम लोग करेक्ट हैं, पोटेंशियल में नीचे आर रहना चाहिए सिर्फ मीटर, हाँ या ना? तो क्या डायमेंशनल ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे में मीटर क्यू, क्या नीचे में मीटर ओवरऑल मीटर बच रहा है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन में यही था ना, 4πr, तो डायमेंशनली क्या रहेगा? डायमेंशनली यहाँ पे नीचे में मीटर आता था, यहाँ पे नीचे में क्या रहा है? मीटर ही आ रहा है, मीटर क्यू और यहाँ ऊपर में मीटर स्क्वायर, मतलब हम लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। ओके अब सबसे बढ़िया बात याद है, आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करवाए थे, ओके। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला।
तो अगर और अब यहाँ पे स्मॉल, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? अब गिवेन पॉइंट को, गिवेन पॉइंट को तो अंदर में वेरी कर सकता है ना, तो गिवेन पॉइंट को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं? आर इक्वल टू जीरो से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक, हाँ या ना? तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट, लाइक 5 - x². तो इस टाइप का ग्राफ आपसे ड्रॉ करवाए थे, इसका तो कितना बढ़िया तरीका बताया था, याद है? दो तरीके से, याद है या नहीं आप लोग को? -4x² + 20, हाँ है ना? और ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, और अगर x² का कोफिशियंट निगेटिव तो कॉन्क्विविटी डाउनवर्ड, हाँ है ना? तो इसको ड्रॉ करने का तरीका कैलकुलस के मेथड से बताए थे कि पहले डिफ्रेंशिएट कीजिएगा या और इक्वल टू जीरो कीजिएगा, वहां से जो x का वैल्यू मिलेगा वो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, हाँ है ना? और उस x को वैल्यू को वहां पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और ये पता हो गया कि कॉन्क्विविटी डाउनवर्ड है, और ये पॉइंट पता हो गया तो उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि कहां पे वर्टिकल एक्सिस को कट कर रहा है, इज इट करेक्ट? इस तरीके से हम लोग ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे। आपको नहीं लगता कि ये ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है? यहां देखिएगा, ये भी नहीं लगता, इट इज काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट जस्ट लाइक 5, 4, अरे भी तो कॉन्स्टेंट है जस्ट लाइक 5, तो वेरिएबल क्या रहा? r² जस्ट लाइक x², हाँ ना? तो इसका सारा ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा, लेकिन आपका टास्क है कि इसका ग्राफ भी वर्सेज आर का अंदर के पॉइंट के लिए, किस पॉइंट के लिए? अंदर के पॉइंट के लिए भी वर्सेज आर का ग्राफ घर पे ट्राई करना है, ओके? चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग आर ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल, मतलब बाहर के पॉइंट के लिए। तो बाहर के पॉइंट के लिए यहां देखिए स्टूडेंट, बाद में डिराइव करेंगे, इसको लिखेगा नहीं। मान लेते हैं कि तीन स्फीयर है, Q1, Q2 और Q3, तीन अलग अलग स्फीयर है, तीन ही स्फीयर है, और यहां का डिस्टेंस है स्मॉल r, और इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल पूछेंगे तो बाहर के तीनों स्फीयर के लिए चार्ज को कहां पर मान लीजिएगा? सेंटर पे। क्या हम कहाँ पर मान लेंगे? सेंटर पे। तो सेंटर पे कितना चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट? Q1, Q2 और Q3, Q1 + Q2 + Q3। अब अगर बोलेंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक काम कीजिए, मेरे पास इनफाइनाइट स्फीयर है, कितना स्फीयर है स्टूडेंट? इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर है, और सब पे DQ चार्ज है, कितना कितना चार्ज है? DQ एंड DQ। तो हर सारे इनफाइनाइट होलोस्फेयर का, तो सारे इनफाइनाइट होलोस्फेयर के लिए तो पॉइंट पी तो आउटसाइड का पॉइंट रहेगा, तो हर होलोस्फेयर के डीक्यू को कहाँ पे सोच लेना है? सेंटर पे। तो सेंटर पे इनफाइनाइट डीक्यू को जोड़िएगा तो नहीं लगता है क्यू बन जाएगा? ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है, घबराने की बात नहीं है, आपका लाइफ जहाँ तक टफ होना था हो चुका, अब नहीं घबराने की बात है। तो सारा इनफाइनाइट डीक्यू को सेंटर पे रख दीजिएगा तो DQ + DQ + DQ + DQ इक्वल टू व्हाट? कैपिटल क्यू। इसका मतलब आगे क्या बोलने वाले हैं? अगर आपका सॉलिड स्फीयर जिसमें चार्ज वॉल्यूम में है और उसके लिए अगर आउटसाइड का पॉइंट लेते हैं तो फिर से वही स्टेटमेंट, सारा पॉइंट को क्या मान लेना है? पॉइंट चार्ज। क्या मानना है? पॉइंट चार्ज। और उसको कहाँ पर रखना है? सेंटर पर रख देना है। और किस को तो नहीं लगता कि हॉलो स्फीयर जो पढ़े उसका यहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं? जो पहले हॉलो स्फीयर पढ़े उसी का तो यहाँ पर एडवांटेज ले रहे हैं। पहले अगर हॉलो स्फीयर नहीं पढ़ते तो क्या इतना कॉन्फिडेंस बोल पाते कि सर इतने यहाँ से यहाँ तक इन बाहर के यहाँ से यहाँ तक जीरो से कैपिटल आर तक जितना भी इनफाइनाइट आप हॉलो स्फीयर मान रहे हैं सबका चार्ज को सेंटर पे क्यों रख रहे हैं? क्वेश्चन हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने पहले हॉलो स्फीयर डील किया, वहाँ से मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाने में हेल्प हो रहा है। चलिए तो बाहर के पॉइंट के लिए यहां से यहां तक रेडियस है कैपिटल आर, और मुझे इस स्मॉल आर पे पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो इस टाइप का मैं इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर इमेजिन कर रहा हूं, ओके स्टूडेंट?
और किसी एक हॉलो स्फेयर के वजह से जिसमें चार्ज डी क्यू है उसके कारण मैं यहाँ पे पोटेंशियल इमेजिन कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या लिखिएगा? तो यहाँ पे और इस हॉलो स्फेयर के कारण अगर कीजिएगा, यहाँ पे भी अगर डी क्यू डैश है तो आपको लगता है डी क्यू के लिए होगा डी वी इक्वल टू डी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसका रेडियस लेंगे या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि आप सेंटर पर रख दिए हैं ना, उसको पॉइंट चार्ज बना चुके हैं, तो क्या लिखेंगे डी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट? तो भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी में जो कांस्टेंट क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन का मतलब जितना भी हॉलो स्फीयर आप इमेजिन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक में सबका चार्ज को सेंटर पर ला रहे हैं, दैट्स वाई आउटसाइड के पॉइंट पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, करेक्ट? अरे किसके लिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर के लिए। तो बोलिए कौन सा डेरिवेशन इजी था, अंदर का पॉइंट पे या बाहर के पॉइंट पे? बाहर का पॉइंट का तो डेरिवेशन बहुत दो एक मिनट का काम था, लेकिन अब एक काम कीजिए, एक बार पोटेंशियल का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कीजिए, देखिए तो कितना आता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर प्लीज, इसमें क्या आया क्यू बाई फोर पाई नॉट कैपिटल आर है ना, आई इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कीजिएगा तो डिफरेंट आएगा सेम आएगा, इसका मतलब अंदर के पॉइंट से सरफेस पे जाएं या बाहर के पॉइंट से सरफेस पे आएं, सरफेस का पोटेंशियल का वैल्यू डिफरेंट रहेगा सेम रहेगा, सेम रहेगा, इसका मतलब एक ग्राफ इसका ग्राफ और इसका ग्राफ जब आपस बाद में दोनों का अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, बट दोनों का ग्राफ क्या डिसकंटिन्यूअस रहेगा या उस पॉइंट पे आकर मिल जाएगा, मिल जाएगा, मतलब ग्राफ इसका और इसका ग्राफ क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ या कंटिन्यूअस ग्राफ, कंटिन्यूअस ग्राफ। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, ओके आज के लिए इतना, ओके।